तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले टिकटॉक के एक ट्रेंडिंग वीडियो के लेकर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, इस टाइप के वीडियो जो है टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो दोस्तों इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, इसके ट्यूटोरियल आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो सिंपल आपको प्ले स्टोर से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसके बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर और वहाँ बताता हूँ मैं आप इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद 9x16 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो को शूट किए थे वो वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यदि आपका लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो आपको वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है और ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इससे हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा था वो रिमूव हो जाएगा। यदि आपका राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट कर देना। इससे इस तरह से आप वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो रिमूव कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसके बाद वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कलर फिल्टर में आना है और यहाँ पे आपको ब्लू कलर के ऊपर आपको ग्रीन कलर मिल जाता है, ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर से हमें वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कलर एडजस्टमेंट में आना है और यहाँ पर हमें कलर सही तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो आप भी इस तरह से आप वीडियो को एडजस्ट कर लेना है। दोस्त वाले के मैंने 156 लेके आ गया और सेकेंड वाले को आपको ले गया 197 और थर्ड वाले को ले गया 132। तो इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है सही तरह से। इसके बाद वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद शेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर देना है और देख सकते हैं हमारा वीडियो जो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और हमारा यहाँ पे वीडियो जो है एक्सपोर्ट हो चुका है। इसके बाद हमें फिर से हमें दो बार बैक कर लेना है। बैक करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9x16 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मीडिया पे आना है। इसके बाद हमें यहाँ पे ओरिजिनल वीडियो लेकर आना है, जो वीडियो हमें बैकग्राउंड में लगाना है। तो मैंने यहाँ पर वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन से वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद मीडिया पे आना है और इसके बाद जो हमने वीडियो को एक्सपोर्ट किया था ग्रीन स्क्रीन में वो वीडियो को यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे हमें फुल साइज कर देना है। तो वीडियो जो हमारा फुल साइज में हो चुका है, इसका जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है पहले एक्स्ट्रा पार्ट में ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। यदि आपका एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है तो आपको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। वीडियो जो आपको 15 सेकेंड के आसपास वीडियो शूट करना है। इसके बाद वीडियो पर क्लिक करना है। इसके बाद क्रोमा की को यहाँ पे क्रोमा की को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे आप सही तरह से एडजस्ट कर लेना। आपको यहाँ से कम बेस भी आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। सही तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर सही तरह से एडजस्ट कर दूँ, क्योंकि देख सकते जो ऊपर की तरफ जो सारे ब्लैक हो चुका है, ओनली जो हमारा शरीर है वो वाइट है। इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों हमें दिखा देते वीडियो जो हमारा किस तरह से बना है, तो मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट वाला ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो था, उस वीडियो को वॉल्यूम को हमें साइलेंट कर देना है। म्यूजिक ऐड नहीं करना होगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे फर्स्ट वाले वीडियो में म्यूजिक ऐड है। तो वीडियो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद हमें डन करना है। डन करने के बाद इस पर वीडियो पर क्लिक करना है। इसके बाद शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और ये वीडियो जो है हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के चैनल पे अपडेट होता रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।